तो आपने थंबनेल देख लिया होगा और आज हम इसी थंबनेल के ही बारे में बात करेंगे कि यूपी बीएड की तैयारी कैसे करें। और हमने लास्ट ईयर यूपी बीएड क्रैक किया है 2022, तो हमें न्यू पैटर्न पता है, सिलेबस पता है और किस तरीके से हम अपने जो कम समय है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें, ये बातें हम करेंगे। और यूपी बीएड का जो सिलेबस है वो भी पूरी तरीके से इसके नोटिफिकेशन में नहीं दिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अभी जो ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट करते हैं उन्हें पता नहीं होता है क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, वो सिर्फ यूट्यूब के सहारे आते हैं और यूट्यूब वाले अपना व्यू छापने के लिए, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ व्यूअर बढ़ाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है। इसी रिलेटेड में आज ये पूरी वीडियो होगी। अगर आप यूपी बीएड का फॉर्म डाले हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हम यूपी बीएड से रिलेटेड सारी जानकारी लेते आएंगे। आप जो ये रैंक देख रहे हैं 121 रैंक, अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये मेरे एक फ्रेंड की रैंक है और इधर आप अब देखेंगे तो ये मेरी रैंक है। हालांकि हम जितने भी लोग हैं, हम चार पाँच, हम लोग का 7 लोग का ग्रुप था और हम 7ों लोग एक साथ ही यूपी बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। उसमें से 5 लोग गवर्नमेंट सीट पर इस टाइम पर कर रहे हैं और 2 लोग नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट सीट पर कर रहे हैं। तो इस आप देख सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस तरीके से थी। 7 में से 5 लोग गवर्नमेंट सीट पे कर रहे हैं और उसमें शायद सबसे कम रैंक मेरी थी, बाकी सबकी रैंक जो इतनी भी थी, किसी की 200 थी, किसी की इसकी देख सकते हैं आप 121 रैंक है, 3000 2000 इसी के बीच में रैंक थी और हमने यही कॉलेज चूज किया था और कॉलेज में मिल गया था। तो आप देख सकते हैं प्रिपरेशन किस तरीके से करें। और मेरी रैंक कम आने का कारण यह है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से करना नहीं था, उसके हफ्ते पहले मुझे डेंगू हो गया था जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं था, लेकिन किस तरीके से पेपर दिया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिला, ये हो गई बात की बात। तो अगर आप लोग इस टाइम पे फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भरिए, क्योंकि अभी 1400 रुपये फॉर्म का फीस है और ये फीस बढ़ेगा अगर लेट होते हैं, तो ये 2000 हो जाएगा जनरल के लिए और इसी तरीके कैटेगरी वाइज फीस कम ऊपर नीचे होगा। तो अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। अगर आप फॉर्म भर लिए हैं तो कुछ चीज़ें आप लोग के लिए एकदम ध्यान सुनने लायक है कि प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे बड़ी जो चीज़ें देख के आप आए होंगे, तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छी रैंक लाएं और गवर्नमेंट कॉलेज पाएं, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको GS हिंदी और अपना एक सिलेबस सोशोलॉजी, जो भी आप ग्रेजुएशन लिए होंगे सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सोशोलॉजी में कोर सोशोलॉजी, कोर इकोनॉमिक्स, कोर पॉलिटी पूछी जाएगी, जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड नहीं रहेगी, वो कोर सिलेबस वाली रहेगी। तीस चीज़ों का ध्यान में रख के चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1 जो जिसमें कि 2 पार्ट होता है और 200 नंबर का होता है, 50-50 100 क्वेश्चन रहेंगे और वे 200 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। आप पूरा सिलेबस भी समझ लीजिए, पैटर्न भी समझ लीजिए, 200 नंबर का रहे, 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक सही पे 2 नंबर मिलेंगे जबकि एक गलत पे आपके 0.66 नंबर कट जाएगा, 1.3 का माइनस मार्किंग है इसमें। 3 चीज़ों को ध्यान में रख के ही प्रिपरेशन करिए और इसी हिसाब से अपने आप को उठा लिए कि गलती की गुंजाइश कम हो, क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें अच्छी खासी है। तो अगर बात कर ले पहले पेपर के पहले पार्ट में, तो उसमें GS पूछता है, करेंट पूछता है, हालांकि करेंट का वेटेज बढ़ रहा है, लास्ट ईयर जब हम लोगों ने अपेयर किया तो 10 के करीब करेंट पूछ दिया था, तो वहाँ पर आप ध्यान रख के चलिए। GS में नॉर्मल GS पूछेगा और करंट पूछेगा, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन बनते हैं, जनरल साइंस से कम ही क्वेश्चन बनते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरीके से जो ऑल ओवर हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स से 2-2 3-3 क्वेश्चन के बढ़ाते हुए, और स्टैटिक का भी रोल अच्छा खासा रहता है। तो पहले पेपर के लिए आप थोड़ा बेसिक के साथ अच्छे से तैयारी करके चलिए, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है यही स्कोरिंग रहेगा, सेकेंड पेपर में जो आएगी GS वे GS आपको पल्ले नहीं पड़ने वाली, तो इस GS में आप थोड़ा सा अच्छे से लगेंगे। हालांकि आप लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब जो सेकेंड आता है हिंदी, तो हिंदी और रीजनिंग यही 2 चीज़ है जहां से आप नंबर उठाने की कोशिश करिए। तो हिंदी में क्या था, हम लोग का क्या था कि हिंदी में 41 सही था मेरा, तो हिंदी से भी आप नंबर उठा सकते हो। तो हिंदी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कंप्लीट हिंदी पूछता है, पूरा हिंदी पूछता है, वर्णमाला से लेके गद्य पद्य से लेके हर एक चीज़ पूरी तरीके से हिंदी पूछता है, चौपाई तक जाता है, वहाँ तक छंद तक जाता है, तो पूरी हिंदी पूछता है, कंप्लीट हिंदी पूछता है। हिंदी के लिए आप 2-3 बुक में प्रेफरेंस कर सकता हूँ जिसको आप ले सकते हैं, एक तो अरिहंत की हिंदी हो गई और एक जो इलाहाबाद की पब्लिकेशन है कुछ करके है, वे इतनी मोटी आती है, वे ले सकते हैं, ये 2 हिंदी के लिए बुक है। और जो इलाहाबाद की पब्लिकेशन है वे वाली आदित्य पब्लिकेशन सॉरी, तो वे बेस्ट हिंदी के लिए बुक है, तो आप वे ले सकते हैं। उसके बाद
जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी अच्छी खासी रीजनिंग आती है, पूरा सिलेबस उसमें भी कंप्लीट करता है। हालांकि एक दो क्वेश्चन मैथ के दे देते हैं, तो आप लोग रीजनिंग भी अच्छे से कंप्लीट करके चलिए और रीजनिंग से नंबर उठेगा। और एक चीज़ जान जाइए कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं, बहुत समय है। पेपर वन में तो आपके पास 2 घंटे बच जाएंगे, क्योंकि जीएस और हिंदी है तो उसमें आप करके बैठ जाएंगे, बाकी पूरा समय बचेगा। और जो सेकेंड पेपर है उसमें भी रीजनिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, टाइम टेकन नॉर्मल रीजनिंग रहेगी। हालांकि आप एक बार पूरी तरीके से सिलेबस को रिवीजन कर लीजिएगा, जिसमें आप अच्छा कर पाएंगे। हालांकि लास्ट ईयर में मेरिट भी कम गई थी, कटाप भी कम गई थी, वो बातें आगे मैं करूँगा, पहले सिलेबस जान लेते हैं। और सेकेंड जो रीजनिंग बाद जो सेकेंड फेस आएगा, उसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा, उसमें आपका कोर सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अगर हिस्ट्री आप ह्यूमैनिटीज हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से कोर पूछेगा, अगर आप साइंस हैं तो साइंस का सारा सब्जेक्ट कोर पूछेगा, और कॉमर्स से भी यही होगा। तो आई होप कि आप सिलेबस समझ गए। अगर आप और चाहते हैं कि मैं और पूरी तरीके से डिटेल में जाके सिलेबस बताऊं, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आते हैं बताऊंगा। अब हम बात करेंगे किस चीज़ों से हम बचे हैं, क्योंकि थंबनेल पे आप देखे होंगे कि ये गलती मत करिएगा। क्योंकि अगर आप लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग पेपर दे चुके हैं बीएड का या फिर एक्सपीरियंट रह चुके हैं, जो किसी भी अदर एग्जाम पेपर देते हैं, उन्हें पता है कि पेपर पैटर्न क्या है, कैसे आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्पेशल लड़कियाँ, कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं और तुरंत यूपी बीएड के लिए अपेयर हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी गलती क्या करती है, पूरी तरीके से यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे उन टीचरों के जो सो कॉल टीचर हैं, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, पीडीएफ लगाएंगे, सब आंसर पहले से फिक्स रहेगा दे देंगे। हालांकि ये गलती सब कर देता है जब पहली बार रहता है, तो उन्हें लगता है जो वे बता रहे हैं वे इनफ है। और वे लोग थंबनेल ऐसा भड़काऊ थंबनेल बनाएंगे, थंबनेल मतलब जो चीज़ आपको पहली दिखती है तो उसको देख के लगेगा कि आप क्लिक करिए। तो इन चीज़ों पे ही बात करना है कि इन चीज़ों से बचे हम, क्योंकि ये लोग अपने एक साल के पैटर्न में बीएड करके कंप्लीट किए हैं, 2013-2014 में बीएड कंप्लीट किए हैं, उसके बाद ये लोग यूट्यूब पे आके फ्री का इधर से उधर करते हैं और अपना व्यू छापते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा बच के चलिए। और अगर जो ये लोग पढ़ा रहे हैं उसमें से काफ़ी कम क्वेश्चन फंसने का चांस, मतलब क्वेश्चन ना के ना मात्र हिसाब से पड़ेगा, आप पूरी तरीके से इनका देख के जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन फंसा पाए ये लोग, ये भी मुश्किल से। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। आप स्पेशल बुक से पढ़िए, जीएस के लिए आप पैरामाउंट की बुक जो थी, जो पैरामाउंट देती हुए पढ़ लीजिए, फिर लूसेंट पढ़ लीजिए, वहाँ से जीएस ऑलमोस्ट आपका सब कवर हो जाएगा। तो इन लोगों से बच के चलिए, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, एकदम ईजी क्वेश्चन लेके उसको बार बार आपके सामने रखेंगे, ताकि ईजी क्वेश्चन रहने से क्या होगा कि आपको लगे कि आपको सब आ रहा है और आप इनमें फंसे रहे। तो ऐसी चीज़ें नहीं आती जो इस बार की हिंदी पूछा है, यूपी बीएड इस लेवल का हिंदी पूछा है, मतलब कि चारों ऑप्शन एक जैसे थे, इसमें से छाटिए कौन सा है कौन सा नहीं। इस तरीके से 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी का आया था इस बार। जो लोग भी लास्ट ईयर दिए होंगे, वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें पता होगा किस लेवल क्वेश्चन पूछा था और किस लेवल का ये लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप इन लोगों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि इन लोगों को न सिलेबस पता है, न पैटर्न पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। और न पता होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूपी बीएड अपना पेपर सार्वजनिक करती नहीं, पेपर ले लेती है। और जितने भी आप लोग, ये लोग तो अभी भी पेपर रिवीजन करा रहे हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, और ये लोग जब से पेपर नहीं आया होगा, जब से इसका फॉर्म नहीं आया था, तब से ये लोग पर्टिकुलर साल भर इसी टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोग इनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि पेपर नहीं आता है, इसका पेपर बाहर लीक ही नहीं होता, पेपर तुरंत रख लेती है यूनिवर्सिटी। और ये लोग जो पेपर मार्केट में घूम रहे हैं, वे पेपर रियल पेपर एकदम नहीं है, वे पेपर एकदम ईजी पेपर है। जो लोग भी दिए होंगे, अगर आप पेपर देखेंगे मार्केट में, जो बुक में पेपर आ रही है 2022 का कुछ भी करके, तो ये रियल पेपर से एकदम भिन्न पेपर है। तो आप इन सब चीज़ों से बच के चलिए, और ऐसे सो कॉल्ड यूट्यूबर जो अपने आपको टीचर बोल रहे हैं उनसे भी बच के चलिए। और किसी भी तरीके से कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग किसी चीज़ की पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इजी वे में निकालेंगे। अगर प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं, तो जो मैं बुक बोला हूँ स्पेशल, ये सब बुकें पढ़ के चलिए अपना, ये बुक आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ये लोग आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, फिर डेली अच्छे अच्छे टीचर भी हैं यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, तो करंट कवर होगा। और करंट का यहाँ पे रोल अच्छा खासा रहता है, जीएस फर्स्ट पेपर में अच्छा खासा करंट और स्टैटिक का रोल रहता है। उन चीज़ों का आप ध्यान में रख के चलिए। करंट के लिए आप कुमार गौरव सर को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में यहीं तक, आई होप की जानकारी आपको पसंद आएगी। मैं सारी चीज़ों को एक एक करके कवर करने की कोशिश भी किया। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें बतानी जरूरी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो, जो हाँ भी आपके क्लियर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग भी डेली बेसिस पे 10-20 क्वेश्चन आपको लाएं एकदम 22 के पैटर्न पे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो हम ये भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोग का भी अभी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, तो उतना फ्री भी नहीं है। ये वीडियो मैं आपको जिस दिन फॉर्म आया था उसी दिन अपलोड करने का सोचा था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाए। तो आप
कमेंट कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये यूट्यूब से थोड़ा बच करिए। और यूट्यूब पर ये तो स्टैंडर्ड चैनल को फॉलो करिए जो अच्छे एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, और ये पर्टिकुलर जो बीएड के लिए आए हैं उनसे तो कोई भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो वे क्वेश्चन आपके सामने रख पाए जो क्वेश्चन हमसे आयोग पूछने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ जल्दी, और आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपके क्यूरी हो, जो आपके सवाल रह गए हों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।